भगवद गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीता सार को। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले जाना है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुख का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो ऐसे ही तमाम और बेहतरीन जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। भगवान आपको एक स्वस्थ जिंदगी दे। आइए हम गीता के 21 सूत्रों को सुनते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं इन 21 सूत्रों का मतलब भी समझाऊंगी। तो वो 21 सूत्र कौन से हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आइए सुन लेते हैं उन 21 सूत्रों को बहुत ही आसान वाक्य से। इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में इन 21 सूत्रों को बहुत ही आसान तरीके से आप सबको समझाऊंगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अगली वीडियो की जानकारी आपको चाहिए, यह भी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो आइए सुनते हैं वह 21 सूत्र कौन कौन से हैं। बिना समय को गवाए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ, जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि इस सृष्टि में सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो करना चाहता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। आजाद होकर जीने वाला वास्तविक मनुष्य होता है।
वासना, गुस्सा और लालच, यह सब तीनों नर्क के दरवाजे हैं। इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। कोई भी काम, अच्छा या बुरा, सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें सिर्फ कर्म करने के अधिकार है, फल के बारे में ना सोचें। हम सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी ज़रूरी होता है। खुश रहना या दुखी रहना, यह सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। हमारी ज़िंदगी ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में। हम इंसान हैं और इस वीडियो को देखने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी सूत्रों को तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, ना ही गीता के सार की जो भी बातें हैं वो समझ पाएंगे और उसको अमल कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम एक, दो या तीन, कोई भी ऐसी बात आपको लग रही है कि मैं फॉलो कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए, तो प्लीज़ फॉलो करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपकी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। ऐसा मुझे महसूस होता है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसके साथ साथ ऐसे ही बेहतरीन रोज़ाना तीन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।